मानसून के सीजन में सांप के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। कई बार सांप काटने के बाद लोग तत्काल डॉक्टर के पास जाने के बजाय दूसरे चक्करों में पड़ जाते हैं और कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनकी जान बचने की बजाय उनकी जान चली जाती है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सांप के काटने पर क्या गलती नहीं करनी चाहिए। गजब की जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सांप आपको काट ले तो क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। नंबर एक, सबसे पहले वह मत करिए जो फिल्मों में दिखाया जाता है, यानी कि जहर को अपने मुंह से खींचना। इससे सांप का जहर आपके मुंह के जरिए आपके अंदर जा सकता है, जो कि और भी खतरनाक है। नंबर दो, जिस स्थान पर सांप ने काटा है वहाँ पर बर्फ नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसे साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। नंबर तीन, जहाँ पर सांप ने काटा है उस जगह पर कपड़े से बांध सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइट मत बांधिए। नंबर चार, जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी एंटीवेनम दिया जा सके। नंबर पाँच, हो सके तो जिस समय आपको सांप ने काटा है वह टाइम भी नोट कर लीजिए, और अगर आप सांप को पहचान पाते हैं तो यह अच्छी बात है, इससे आपको एंटीवेनम देने में मदद मिलेगी। नंबर छः, सबसे जरूरी बात, आपको हिलना डुलना नहीं है, शांत बैठे रहना है। आप चाहते हैं कि शरीर में जहर धीरे धीरे फैले तो अपने पैर को नीचे लटका कर रखें। नंबर सात, जिस स्थान पर सांप ने काटा है सीबीज की सहायता से वहां से खून निकालने की कोशिश कीजिए। नंबर आठ, सांप के काटने पर झाड़ फूंक के चक्कर में ना रहे, जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाएं। नंबर नौ, पीड़ित व्यक्ति को चाय, कॉफी, शराब या अन्य पदार्थ पिलाने का प्रयास बिल्कुल न करें। नंबर दस, मरीज को पैदल नहीं चलना चाहिए, पैदल चलने से शरीर में जहर तेजी से फैलेगा। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।